स्पेसिफिकली बच्चों में हमने देखा है कि चेस्ट बहुत वीक होता जा रहा है, कोई हवा नहीं लगती, कोई यू नो ठंडी कोई चीज़ होती नहीं है और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि सीज़न चेंज हो और किसी घर में कोई बच्चा ना बीमार हो, ऐसा घर मैंने देखा ही नहीं है स्पेसिफिकली जब पाकिस्तान की बात करते हैं। तो क्या ऐसा हो गया है, मतलब हमारा भी बचपन गुजरा है, ठीक है बीमार हम भी होते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हर घर से शोर आ रहा है कि बच्चे बीमार हैं, बच्चों का चेस्ट वीक है, क्या हो रहा है आजकल? देखिए इसकी वैसे मैं बच्चों की डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं एक बात करना चाहूँगी। इसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये कि देखिए हमारा जो ज़माना था उसमें माएँ जो हैं वो नेचर की तरफ ज़्यादा थी। नेचर से मुराद ये है कि वो खाने देना, बच्चों की जो डाइट शुरू होती है आप होता है 6 मंथ से कहते हैं कि सेमी सॉलिड फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, तो वो घर से ही हो जाता था कि आलू मैश करके खिला दिया बच्चे को, या सूजी की खीर खिला दी, कोई इस तरह की प्रोटीन वाली चीज़ खिलानी जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाए। अब ये है कि मार्केट में आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं, तो जब आप वो बच्चे को एक रेडीमेड प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप उसके साथ उसको उसकी वो इम्यूनिटी नहीं बना रहे जो एक घर के खाने से उसकी बन सकती। एक वजह जो मुझे ये नज़र आती है, दूसरी मदर फीड है। देखिए मदर फीड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि जब हम जूनियर थे अपने उसमें, हम जब हाउस जॉब कर रहे थे तो हमारी जो पीड्स में जब रोटेशन थी तो हमारी एचओडी बहुत सख्त होती थी, और उनकी एक ही बात होती थी कि आपने जो है ना माँ को, जब आपके पास माँ ने आना है आपने ये बात ज़रूर बोलनी है कि आपने अपना बच्चे को दूध पिलाना नहीं छोड़ना, कम अज़ कम 1 साल तक की उम्र तक आपने बच्चे को अपनी अपना दूध पिलाना है, कम आए ज़्यादा आए आपने अपना दूध देना है। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है, और ये कि माँ के दूध में सारी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, इवन तमाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स अवेलेबल हैं। अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, बल्कि आज बहुत अच्छी बात आपने की है, मैं ये लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि जब बच्चा पैदा होता है, और अक्सर ये हाँ हमारे यहाँ समझा जाता है कि जब माँ का फीड करवाना है तो वो जो पहला दूध आता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो येलो कलर का होता है, और अक्सर लोग उसको, खवातीन जो उसको डिस्कार्ड करवा देती हैं या ज़ाया करवा देती हैं कि नहीं ये नहीं देना, इसके बाद जो दूध साफ आएगा सफ़ेदी की तरह आएगा वो पिलाना है, ये हम गलत करते हैं। उसमें आपका IgA होता है जो रिस्पायरेटरी एपिथीलियम के लिए बहुत ज़रूरी है बेसिकली, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें उस टाइम पे जैसे ही माँ का बच्चे ने क्राई किया है, डॉक्टर ने कहा है कि आप बच्चे को माँ के हवाले करें, तो आप जो पहला फीड है आपने लाजमी देना है, आप डिस्कार्ड मतलब उसको ख़त्म नहीं करें, आप उसे ज़ाया मत करें, क्योंकि उसमें अल्लाह ने शफा रखी हुई है, पहली चीज़ ये। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए अनटिल कोई ऐसी बीमारी ना हो, या कोई ऐसा कई, क्योंकि कई दफ़ा माँ के दूध में भी जैसे औरत की छाती में इन्फेक्शन हो जाता है, या दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, या किसी वजह से औरत का दूध ना आ रहा हो, तो आप टॉट फीड दे सकते हैं, एक चीज़ ये। दूसरा, फिर वही बात आ जाती है कि ख्याल रखने का बहुत ज़रूरत है। हम लोगों ने हर चीज़ को ना बहुत पैक करके, बंद बंद करके रखना शुरू कर दिया है, और इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन पहले वक्त में इतना नहीं था, अब जितना हमारे इस अभी कराची में जितनी एयर पोल्यूशन है उसके हिसाब से आप देखें एलर्जिक के केसेस उतने ज़्यादा बढ़े हैं, तो वो बच्चों में भी वही चीज़ आ रही है। तीसरी बात मुझे ये लगता है कि हम छोटी छोटी बात पर ना फ़ौरन एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं, इधर बच्चे ने पहली छींक ली है और हमने फ़ौरन जो है ना उसको एक एंटीबायोटिक का शरबत खोला, और बस बच्चा, क्योंकि हमें ये होता है कि हाय अब ये छींकता रहेगा या ये सोएगा नहीं या मैं भी आराम हो जाऊंगी, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि देखें अगर बच्चे को बुखार नहीं आ रहा, अगर बच्चे की खांसी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, एक नॉर्मल नाक बहना ये एक वायरल है, ठीक है ना, वायरल के अंदर आप कोई एंटीबायोटिक ना दें, आप एक एंटी एलर्जी तो दे सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक जो है वो हमें इस तरह से नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ गले में थोड़ी सी ख़ारिश होती है तो लोग जो है एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अच्छा, यही फिर मुझे लगता है जहाँ बच्चों की हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वहीं जब आप बड़ों की बात करते हैं तो मुझे लगता है वहाँ भी काफ़ी सारे यही सेम रीज़न्स होंगे कि पोल्यूशन ज़्यादा है, फिर हम जो मेडिसिन का जिस तरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो जैसे आपने पहले कहा कि पहले इस तरह के जो फूड्स आज हमें नज़र आ रहे हैं, पहले ठीक है बच्चों तक तो हमें समझ आता है
कि, लेकिन जब बड़ा है उसको भी जब पता है कि उसमें नुकसान आते फिर भी हम वही खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो हमारे अंदर कल्चर आ रहा है ना, मुझे लगता है ये एक बहुत खतरनाक कल्चर है। एक तो होता है कि आपको पता नहीं है, आपके पास अवेयरनेस नहीं है, आपको पता है वो चीज़ फिर भी आप अपने साथ कर रहे हैं।